हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए, नाइन्थ क्लास, हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट कर रहे हैं आज। और ये जो एक्सरसाइज है हमारी, वो बेस है हमारे ट्रायंगल पर, मतलब जो हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज आइसोसेलेस ट्रायंगल की, ठीक है। जिसमें क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी, ठीक है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है डी बी सी, इन दोनों ट्राइंगल्स आर टू एसोसिएटेड ट्राइंगल है ऑन द सेम बेस, ठीक है, बेस सेम है इनका, वो बेस क्या है इनका, बी सी, एंड वर्टेक्स ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड, ए एंड डी आर द सेम साइड ऑफ बी सी, बी सी के एक ही तरफ है, ठीक है। इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी, ए डी को हमने आगे बढ़ाया और वो पी पे आके मिल गया, ठीक है, तब बताइए कि ट्राइंगल ए बी डी, यानी कि ये जो ट्राइंगल आपका आ रहा है ये, ठीक है, और ए सी और डी, ठीक है, ए सी डी और ए बी डी, इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ए बी पी और ए सी पी, इन ट्रायंगल्स की हम बात करें तो ये ट्रायंगल्स को भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, यानी कि बड़े वाला ट्रायंगल पहले छोटे वाले को प्रूफ करेंगे कॉन्ग्रुएंट, फिर बड़े वाले को, ठीक है। तो लेके चलते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी, ठीक है, वी हैव ए बी बराबर ए सी, ठीक है, ए बी बराबर ए सी, हम पता है कि कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। और क्या चीज है इसको हम ले लेते हैं गिवन, और क्या है भाई, आपको देखिए ए बी डी और ए सी डी के अंदर ए डी जो है वो कॉमन है, ठीक है, ए डी बराबर क्या है, ए डी, और ये क्या है, कॉमन। और आपके पास बी डी बराबर क्या है, सी डी के, ठीक है, क्योंकि ए जो इंटरसेक्ट कर रही है, ए डी जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है बी सी को, ठीक है, बी सी इंटरसेक्ट कर रही है, तो यानी कि बी डी जो डी जो है मिड पॉइंट है, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा आपके, सी डी, ये भी क्या है आपको गिवन है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास एस 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 रूल से, ठीक है, बाय एस 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 क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, तो जो ट्राइंगल है ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो गया है ए सी डी की। आज आपके पास ये जो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया है, इन ट्राइंगल का जो बचाव पार्ट है, जैसे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये छोटा एंगल यानी कि ए बी डी एंगल ए सी डी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इसके सी बी सी डी पार्ट है, ठीक है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट देते हैं, ए पी बी, यानी बड़े वाला जो ट्राइंगल है वो बड़े वाले ट्राइंगल से इक्वल होना चाहिए एंड कॉन्ग्रेंट। तो मैं इस डायग्राम को पीछे ही दोबारा मैं बना देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये बी और ये सी, ठीक है, और ये हो गया आपका डी, ठीक है। अब हमें जो प्रूफ करना है ट्राइंगल वो है ए बी पी, बड़े वाला, तो इन ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी एंड ए सी पी, ठीक है, ए बी पी और ए सी पी में क्या है हमारे पास, एक तो है ए बी बराबर ए सी, ये चीज गिवन है, राइट, एक तो ये हमारे पास क्या है गिवन है कि ए बी बराबर किसके हैं, ए सी के,
और एंगल बी ए पी वो बराबर है एंगल सी ए पी के, बताओ है या नहीं। ये आधा एंगल बताया था ना आपको ने, बी ए पी और सी ए पी जो आधा आधा एंगल है वो बराबर होना चाहिए बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो ये हमने इसे पहले वाला जो पार्ट प्रूफ किया था ट्राइंगल जो हमने प्रूफ किए थे ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए सी डी के छोटे वाले जो थे, ठीक है उससे के सी पी सी डी से हुआ ये मैंने आपको पहले बता दिया था। और अब एक साइड हो गई, एक एंगल हो गया, तो अब एक साइड या एंगल में आप देख लो क्या चीज बराबर हो सकती है। तो हमारे पास ए पी बराबर ए पी, ये कॉमन साइड है, जैसे हमारे पास ए डी बराबर ए डी था तो ए पी बराबर ए सी, ये हमारे पास कॉमन है। तो दो साइड और एक एंगल यानी कि एस ए एस रूल बाय एस ए एस रूल ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ए सी पी के। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया चीज हमारे पास। अब आगे चलते हैं कि हमने दो पार्ट प्रूफ करती हैं, थर्ड पार्ट क्या है इसका, उस थर्ड पार्ट में देखिए। थर्ड पार्ट कहता है हमसे कि आपके पास ए पी बाइसेक्ट करेगा एंगल ए को, जैसे एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है वैसे ही एंगल बी को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि यहां पर भी जो बी डी पी है एंगल वो इक्वल होना चाहिए सी डी पी के या पी डी सी के, यानी ये वाला जो एंगल है उस एंगल बराबर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कहूँ आपसे ये एंगल वन टू थ्री फोर है तो एंगल वन बराबर टू और एंगल थ्री बराबर फोर होना चाहिए। ठीक है, एंगल वन बराबर एंगल टू और एंगल थ्री बराबर एंगल फोर होना चाहिए। अगर मैं आपसे ये बात कहूँ तो आप इस तरह से इसको समझिए। ठीक है, हमको क्या प्रूफ करना है कि एंगल वन बराबर एंगल टू और एंगल थ्री बराबर एंगल फोर, ऐसे भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं इसमें हमारे पास जो टर्म है वो कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो इसकी हम बात करें, ये वन और टू हो गया और ये थ्री और फोर, तो इसके लिए हमें देखो ट्राइंगल ए बी डी जो है, ए बी डी छोटे वाला, देखो ये छोटे वाला चाहिए ए बी डी, इस एंगल वही आएगा, और ए सी डी चाहिए छोटे वाला जिसमें एंगल ये आएगा। ए बी डी जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल किसके, ए सी डी के। ठीक है, तो इसका मतलब देयर फोर जो एंगल है बी ए डी वो बराबर होगा एंगल सी ए डी के होगा। इसका मतलब जो ए डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। ठीक है, तो सेम ए पी जो ए पी है वही बाइसेक्ट करेगी क्योंकि उसी को आगे बढ़ाया हमने, बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, जैसे ए डी बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, वैसे ही ए पी बाइसेक्ट करेगी एंगल ए को। राइट, अब हमारे पास जो टर्म है वो है बी डी पी, बी डी पी। ठीक है, जो ट्राइंगल है, ठीक है, बी डी और पी एन छोटे वाला पार्ट जो हमारे पास है ट्राइंगल बी डी पी एंड ट्राइंगल सी डी पी। ठीक है, दो ट्राइंगल है जो नीचे वाला ट्राइंगल लोगे तभी तो एंगल थ्री और फोर प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये तो था कि एंगल वन बराबर एंगल टू, ऐसे हम प्रूफ करना एंगल थ्री बराबर एंगल फोर। तो हमारे पास पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स जो है नीचे वालों को प्रूफ कर दें कॉन्ग्रुएंट, तो फिर ये सीपीसीटी पार्ट से एंगल थ्री जो है एंगल फोर के इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखिए, एक तो हमारे पास क्या है बीडी बराबर सीडी, ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, और जब हमारे पास है बीपी बराबर सीपी, क्योंकि पी जो है मिड पॉइंट पर आ रहा है, तो बीपी बराबर क्या हो जाएगा सीपी। और वैसे भी जो बड़ा वाला ट्राइंगल था हमारे पास, इसको हमने प्रूफ कर चुके थे यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट, तो इसके सीपीसीडी पार्ट को अगर हम लें तो ये बीपी बराबर सीपी देगा, बताओ देगा या नहीं, देगा ना, बाय सीपीसीटी ऑफ एबीपी कॉन्ग्रुएंट
एसीपी देगा। और लास्ट एक चीज और उसी है हमारे को, हम ले लेते हैं कि डीपी बराबर क्या है, डीपी के कॉमन है, ठीक है, ये जो डीपी है वो कॉमन है, तो इसका मतलब जो ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, मतलब जो ट्रायंगल है ए सॉरी बी डी पी, और वो कॉन्ग्रेट हो जाएगा ट्रायंगल सी डी पी के, हो जाएगा जो बी डी पी है वो कॉन्ग्रेट हो जाएगा सी डी पी के, देन एंगल देखिए आप कौन सा बनेगा, ये बी डी पी, एंगल बी डी पी इक्वल टू एंगल सी डी पी, और किससे, सी पी सी टी पार्ट से, ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि जो डी पी है वो बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट एंगल डी, ठीक है, तो कौन सी लाइन बाइसेक्ट करेगी, ये ए पी लाइन, तो ए पी बाइसेक्ट एंगल डी, ठीक है, ये हमें प्रूफ हो गई। अब लास्ट जो पार्ट है फोर्थ पार्ट वो हम देख लेते हैं, और फोर्थ पार्ट जो हमसे कहता है वो कहता है कि ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, जो ए पी लाइन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी के, यानी कि जो एंगल है ये वाला, ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो उसके लिए हम ले लेते हैं भाई, ये दोनों मिलाकर अब करोगे तो कितना आएगा, 180 आएगा, और ये एंगल और इस एंगल के बराबर है तो प्रत्येक एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। उसके लिए भी हमारे पास ये वाला ट्राइंगल जो है छोटे वाले दोनों नीचे वाले, ये इसके सी पी सी टी पार्ट से एंगल बी पी डी और सी पी डी दोनों इक्वल प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये हमारा जो पार्ट है इसमें देखिए आप फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट में है कि जो ए पी है वो स्टैंड करती है बी सी पर, ठीक है, तो एंगल ए पी बी बराबर एंगल ए पी सी, ठीक है, बाय सी पी सी टी पार्ट है, बाय सी पी सी टी, और तो एंगल ए पी बी और एंगल ए सी पी का ऐड करोगे कितना आएगा, 180 आएगा, दोनों बराबर हैं आपस में, तो ए पी बी प्लस ए पी बी बराबर 180, ए पी बी जो है वो क्या हो जाएगा, 180, देन ए पी बी बराबर 180 बाय 2 यानी कि 90 डिग्री, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एंगल बराबर हो गए, ए पी बी बराबर ए सी पी सॉरी ए पी सी बराबर 90 डिग्री, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि बी पी बराबर भी क्या है सी पी के, तो ये क्या हो गया, ये ए पी इज अ जो 90 डिग्री हो गया, तो जो परपेंडिकुलर हो जाएगा इसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, यानी कि वो उसको दो बराबर भागों में बांट रही है, कौन, ये जो लाइन है जिसको दो बराबर भागों में बांट रही है बीपी बराबर सीपी के, और लेकिन ये एंगल कितना है 90 डिग्री का है, ये चीज और हमको बतानी थी, ठीक है, ये एंगल भी 90 डिग्री का, तो ये एंगल 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है कि जो एपी है वो परपेंडिकुलर है बीसी के, ठीक है, और दो भाग बांटती है तो इसका मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, ठीक है, एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, राइट, तो ये टर्म जो है हमारे पास यहां पर बनती है, क्लियर हुआ। तो आपके पास टर्म क्लियर हुई, इस तरह से क्वेश्चन आपके पास बनते हैं, देखो एक ही क्वेश्चन में हमने चार पार्ट किए, यानी कि लगभग काफी बड़ा क्वेश्चन था, इस तरह से कहें तो कम से कम हमने दो क्वेश्चन तो किए इसमें, तो आपको समझने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में आपने खुद ने देखा कि मैक्सिमम पार्ट जो था उसमें सीपीसीटी से ही हमने नॉर्मली प्रूफ किया, आप देखो पीछे यहां पर देखो सीपीसीटी से ही हमने पार्ट को प्रूफ करवाया,
ठीक है, और इधर भी। तो आपको जो चीज प्रूफ करनी है वो आप एक बार लेके देख लो, उसके ट्रायंगल्स जहां पर आ रहे हैं उसको कॉन्गेंट प्रूफ कर दो। कॉन्गेंट ट्रायंगल्स जो दो आपके पास मिलेंगे उसके एवरी पार्ट, उसके सारे पार्ट जो भी बचे होंगे वो सब कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, कॉन्गेंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्गेंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो उससे आप बाकी चीजें प्रूफ कर सकते हो। तो इस हिसाब से हमारे पास जो क्वेश्चन है ये वाला वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन आपको समझ में आया या नहीं ये चीज मेन है, ठीक है। खुद एक बार खुद प्रैक्टिस करोगे अपने हाथ से तभी समझ में आएगा, ठीक है, बिना देखे, वरना ये ऐसे ही बस ए बी सी डी पी क्यू आई ये सब चीजें लगेंगी आपको कि कहाँ से क्या चीज हो रही है, राइट। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छे समझाया जाए, ठीक है। और एक बात और, समझ में तभी आएगा जब आपको रूल्स याद होंगे, पुरानी थ्योरम्स आपको पता होंगी, तो इसलिए आप उनको पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।